अब डाउटनट ऐप पर मिलेगा क्लास 6 से 12 का सारा प्रश्नों का उत्तर मात्र 3 सेकंड में। कोई भी प्रश्न को अच्छा से क्रॉप कर लीजिए, उसके बाद उसका आंसर आपको 3 सेकंड में मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी है, वहां से भी आप प्रश्नों का हल मात्र 3 सेकंड में पा सकते। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। अगर आप इस बार 12वीं का परीक्षा बिहार बोर्ड से दिए हैं, जो आपका परीक्षा 13 तारीख को 13 फरवरी को संपन्न हुआ है और कल से आप मैट्रिक का परीक्षा देने जा रहे हैं, तो आपके माइंड में एक ही सवाल आ रहा होगा कि कब तक मेरा रिजल्ट आएगा। क्योंकि जल्दी रिजल्ट आएगा, इससे आपको बेनिफिट होगा, जल्द आपका नामांकन का प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा। तो आपको पूरा डिटेल्स में प्रूफ के साथ बताएंगे कब तक आपका रिजल्ट आएगा। सबसे बड़ा सवाल कि कब से आपका कॉपी चेक होगा। तो चैनल पे नए हैं तो बिहार बोर्ड से पल पल की खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी स्कॉलरशिप का भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराने वाले हैं। अगर आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, बीए बीएससी बीकॉम पास हैं बिहार से, तो आपके लिए सुनहरा अवसर है। कह सकते हैं 10 से 20 हज़ार रुपया आपको लेने का सुनहरा अवसर है। तो पूरा डिटेल से बताएंगे। चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिए। आज आप लोग को 11 बजे साइंस का VVI 25 क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जितना हो सके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। शाम में भी आपको साइंस मैट्रिक का 50 VVI ऑब्जेक्टिव हमारी टीम प्रोवाइड कराएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस दिन से चेक होगा 10th 12th का कॉपी रिजल्ट कब आएगा। सबसे बड़ा सवाल है कि रिजल्ट कब आएगा। 10th का तो एग्ज़ाम कल से शुरू होने वाला है, जो 23 तारीख तक चलेगा। बहुत सारे शिक्षक इस पे हड़ताल पे हैं, तो इसके रिगार्डिंग भी बहुत बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। कह सकते हैं मैट्रिक परीक्षार्थियों के लिए खुशखबरी बताया जाएगा। तो जितना हो सके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इंटर परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन 26 फरवरी और मैट्रिक का 5 मार्च से होगा। सबसे पहले आपको एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा यूट्यूब चैनल प्रोवाइड करा रहा है बहुत बड़ी अपडेट। इंटर परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन स्टूडेंट 26 फरवरी और मैट्रिक का 5 मार्च से होगा। 15 को सभी जिलाधिकारी DO के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके जानकारी दे दिए हैं। बहुत बड़ी अपडेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटर के लिए 126 और मैट्रिक के लिए 169 मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है। यहाँ पर आप क्लियर कर सकते हैं, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मूल्यांकन केंद्र बनाया गया, जिससे जल्दी कॉपी आपका चेक होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 26 तारीख से आप लोग का इंटर का और 5 मार्च से मैट्रिक का परीक्षा का कॉपी चेक होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार बोर्ड की ओर से आयोजित इंटर की वार्षिक परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन 26 फरवरी से होगा, जबकि मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन 5 मार्च से होगा। आगे लिखा हुआ है, बिहार बोर्ड की ओर से कॉपियों के मूल्यांकन से संबंधित पत्र सभी जिलाधिकारी DO व DPO को भेजा गया है। मूल्यांकन के पहले सभी अधिकारियों व मूल्यांकन केंद्र निदेशकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर ब्रीफ किया जाएगा। मतलब जो इस बार मूल्यांकन होगा पूरा पारदर्शिता होगा, CCTV कैमरे की निगरानी में होगा। कह सकते हैं जो छात्र अच्छे से लिख के आए हैं उनको इस बार बेनिफिट होगा। आगे लिखा हुआ है, बोर्ड की सचिव की ओर से लिखे पत्र से कहा गया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन एवं उसमें उपयोग की जाने वाली तकनीकी सूचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए 15 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाएगी। इसमें बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर संबोधित करेंगे। मतलब ये सभी बोर्ड अध्यक्ष के अंडर में होने वाला है। आगे लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स सभी अधिकारियों को इस कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लेना अनिवार्य है। मूल्यांकन प्रक्रिया में बदलाव करते हुए इस बार बोर्ड की ओर से नई तकनीकी के इस्तेमाल की योजना है। इसी संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जानकारी दी जाएगी। बता दें कि इंटर परीक्षा भी चल रही है, मतलब आपका इंटर का परीक्षा खत्म हो गया है, जबकि मैट्रिक की 17 फरवरी से 24 फरवरी तक होगी। इंटर की परीक्षा 13 फरवरी तक आपका खत्म हो गया। आपको पता होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 50% सवालों की ही जांच। मैट्रिक और इंटर परीक्षा में 50% ऑब्जेक्टिव के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसका जवाब OMR सीट पर देना होता है। इसका मूल्यांकन कंप्यूटर से किया जाएगा, जबकि 50% सब्जेक्टिव के लिए शिक्षक कॉपियां जांच करेंगे। तो देखिए, इसे पूरा क्लियर कर दिया गया है कि आपका इस बार 50% ऑब्जेक्टिव वो तो कंप्यूटर में होगा चेक, 50% सब्जेक्टिव ही जो आपका 26 तारीख से इंटर का और 5 मार्च से आपका मूल्यांकन होगा, वो सब्जेक्टिव का केवल शिक्षक जांच कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसलिए किया जाता है क्योंकि रिजल्ट जल्दी दिया जा सके। बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका इस बार भी लास्ट मार्च में रिजल्ट आ जाएगा, जैसे
आपका प्रीवियस ईयर आया हुआ है, तो जितना हो सके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो भी छात्र अभी हड़ताल पे अभी कह रहे हैं कि शिक्षक हड़ताल पे चले गए, मैट्रिक का परीक्षा मेरा कैसे होगा, तो आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। शिक्षक हड़ताल पे जाएंगे तो उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। बिहार सरकार की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है कि आप अभी 24 तारीख के बाद आपको हड़ताल पे जाना होगा, जाइएगा, अभी आपको एग्ज़ाम कंडक्ट कराना ही है, क्योंकि बहुत सारे जो इन्विजिलेटर हैं उनको नियुक्ति दे दी गई है। अब अगर आप हड़ताल पे जाते हैं तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो छात्रों के लिए खुशखबरी है, आपका कल से एग्ज़ाम है, बेस्ट ऑफ लक। 11 बजे साइंस का VVI 25 सब्जेक्टिव वीडियो आएगा, 6 बजे आपको 50 VVI ऑब्जेक्टिव आएगा। जितना हो सके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। लास्ट मार्च में आपका 12th का रिजल्ट आएगा। जैसे ही कोई ऑथेंटिक डेट आएगा, सबसे पहले हमारी टीम आपको इन्फॉर्म कर देगी।